हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आपने कल देखा स्टाई, जिसे हम एक्सटर्नल हार्डियोलम बोलते हैं। हमने एक डिजीज़ कल बताया स्टाई, जो आईलिड की डिजीज़ थी, जिसमें इन्फ्लामेशन किस में हो जाता था, जीज ग्लैंड में हो जाता है। आप देखिए कैलेजियन है, कैलेजियन जिसे हम टार्सल सिस्ट या फिर मेइबोमियन सिस्ट बोलते हैं। टार्सल जो है टार्सल प्लेट पे ही पाया जाता है, और मेइबोमियन वहाँ पे मेइबोमियन ग्लैंड पाए जाते हैं, वहीं पे सिस्ट की तरह बन जाता है, इसीलिए उसे टार्सल सिस्ट या फिर मेइबोमियन सिस्ट बोलते हैं। तो कैलेजियन के बारे में आइए देखते हैं। कैलेजियन क्या होता है? कैलेजियन इज ए क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ द मेइबोमियन ग्लैंड। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक हो जाता है ग्रेनुलोमेटस, यानी कि ग्रेन्यूल्स यानी दाने दाने की तरह वहाँ पे बनने लगे, और इन्फ्लामेशन किस में होने लगे, मेइबोमियन ग्लैंड में, तो उसे हम कैलेजियन बोलते हैं। और इट इज़ आल्सो नोन एज मेइबोमियन सिस्ट या फिर टार्सल सिस्ट। हमने ऊपर ही बताया इसे मेइबोमियन सिस्ट या फिर टार्सल सिस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कोई सिस्ट नहीं होता है। इसमें इट इज़ मोर कॉमन इन यंग एडल देन ए चिल्ड्रेन। यह अधिकतर नवयुवकों में होता है, बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा करके यंग एडल्ट में ही ज़्यादातर होते हैं। और इटियोलॉजी इसके मेन जो होता है, देखिए यही ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट ऑफ मेइबोमियन ग्लैंड, यानी जो ब्लॉकेज मेइबोमियन ग्लैंड का डक्ट होता है उसी में ब्लॉकेज हो जाता है। मेइबोमियन जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेशन नहीं हो पाता, इसीलिए इसी कैलेजियन वहाँ पे बनने लगता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। कोई वहाँ पे सिस्ट नहीं होता, वहाँ पे बस वही स्वेलिंग हो जाती है, इसीलिए कैलेजियन। कैलेजियन का मेन डेफिनेशन यही है, ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट ऑफ मेइबोमियन ग्लैंड। इन्फ्लामेशन नहीं होता, इन्फ्लामेशन तो बाद में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है मेइबोमियन ग्लैंड में, तो उसे इंटरनल हार्डियोलम बोलते हैं। तो आगे आइए, चलिए तो फ्रेंड आते हैं क्लिनिकल फीचर पे। क्लिनिकल फीचर में हमारा क्या होता है, सिम्टम में क्या होता है, साइन क्या होता है, ट्रीटमेंट, तीन चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। क्लिनिकल फीचर में सिम्टम होता है, साइन होता है, ट्रीटमेंट होता है। सिम्टम्स में जैसे पेशेंट अपना कंप्लेंट बताता है तो उसे हम सिम्टम में लिखते हैं। साइन क्या होता है, साइन हम उसी सिम्टम को अपने भाषा में बना के लिखते हैं, साइन वो हमारा साइन होता है। देखिए सिम्टम क्या है, देयर इज नो पेन अनलेस कैलेजियन इज सेकेंडरी इन्फेक्टेड। यहाँ पे किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता, बल्कि कैलेजियन जो सेकेंडरी इन्फेक्टेड यानी इन्फेक्शन होता है इसमें। सेकेंड पॉइंट है, देयर इज डिसफिगरमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्वेलिंग इन द लीड। यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसफिगरमेंट हो जाता है, जब वहाँ पे आईलिड पे हमें स्वेलिंग दिखने लगती है तब जाके वहाँ पे डिसफिगरमेंट दिखने लगता है। और ये सिंगल आर मल्टीपल ए एक या फिर उससे अधिक भी हो सकते हैं। साइन क्या होता है, देखिए ये स्मॉल नॉन टेंडर हार्ट स्वेलिंग इन द लीड स्लाइटली अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन इज सीन। इसमें एक छोटा सा स्वेलिंग हो जाती है और उसके बाद ये नॉन टेंडर होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है, लीड मार्जिन से दूर होता है, ये लीड मार्जिन से दूर पाया जाता है, ये साइन इसकी होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा, इसमें देयर इज़ नो इन्फ्लामेशन, यहाँ पे इन्फ्लामेशन की कोई भी साइन दिखती नहीं है, कि इन्फ्लामेशन है या नहीं उसकी कोई भी प्रकार की साइन नहीं दिखती है। और देखिए ओवर इवर्टिंग द लीड द कंजक्टिवा ओवर द स्वेलिंग इज रेड आर पर्पल, इट इज़ ग्रे इन कलर इन लेटर स्टेज इट मे बी येल्लो फेन सेकेंडरी इन्फेक्टेड पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जब इसको हम एलिवेट करते हैं, लीड को एलिवेट करते हैं कंजक्टिवा की साइड से देखते हैं, तो वहाँ पे स्वेलिंग जो है कैसी दिखती है, रेड या पर्पल कलर की दिखती है। जब यही इट इज़ ग्रे इन कलर इन लेटर स्टेज, जब ये लेटर स्टेज में हो जाता है तो एक ग्रे कलर का दिखने लगता है। और उसके बाद ये कैसा दिखने लगता है, जब सेकेंडली इन्फेक्शन होने लगता है तो उसके बाद ये येल्लो कलर का दिखने लगता है, जब वहाँ पे पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि पस वहाँ पे बनने लगते हैं तो वो येल्लो कलर का दिखता है। तो इसका सिम्टम और साइन आइए देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका मेन ट्रीटमेंट क्या होता है आइए देखते हैं, यानी उसका इलाज क्या होता है कैलेजियन का, उसके बारे में। इसका मेन ट्रीटमेंट जो होता है इंसीजन एंड क्यूरिटेज होता है। इंसीजन मतलब चीरा लगाना और उसके बाद उसको बाहर निकाल देना है, इसका मेन यही होता है कि इंसीजन लगा करके चीरा लगा करके उसको सही कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है, उसके पहले अगर है तो उसको एंटीबायोटिक या फिर जो भी चला लगा करके एनाल्जेसिक दे देते हैं, काम चल जाता है, उसी में बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद इसका मेन यही होता है इंसीजन करना है। सबसे मेन यही होता है कि इंसीजन एंड क्यूटेज, मतलब ये बिना ऑपरेशन किए नहीं होता सही। इंसीजन क्या होता है, देखिए इंसीज कैसे किया जाता है इसके बारे में ये बताया है। देखिए इट इज़ इंसीज्ड एंड थ्रूअली स्क्रैब्ड, इसको इंसीज मतलब चीरा लगाते हैं और अलग करते हैं। कैसे करते हैं,
द कंजक्टाइबा एंड लीड आर एनेस्थाइज्ड विथ प्रोकेन, यानी कि कंजक्टाइबा और लीड को एनेस्थाइज करते हैं जाइलोकेन या प्रोकेन होगा उससे, एनेथीसिया से। उसके बाद क्या करते हैं, द लीड इज इवर्टेड एंड कैलिजियन क्लैंप इज फिक्स्ड। उसमें क्या करते हैं, लीड में उसको पलटते हैं, उसके बाद उसमें कैलिजियन क्लैंप लगाते हैं और उसको फिक्स करते हैं। देखिए यह हमारा यहाँ पे जैसे कैलिजियन क्लैंप है, ये कैलिजियन क्लैंप इसमें लगा करके फिक्स किया गया है। एंड साइट ऑफ मैक्सिमम डिसकलरेशन विद द हालो साइड फेसिंग द कंजक्टाइबा, उसकी तरफ खोल करके हम इसे कंजक्टाइबा की तरफ ओपन करके उसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ए स्मॉल वर्टिकल इंसीजन इज गिवन विथ ए शार्प ब्लेड ओवर द कंजक्टाइबा साइड। वहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्लेड की सहायता से हम वर्टिकल इंसीजन देते हैं। ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल जो है इंसीजन नहीं करना, वर्टिकल इंसीजन करना है, क्योंकि वर्टिकल इंसीजन करने से जो दूसरी ग्लैंड है वो कटेंगी नहीं, अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो दूसरी ग्लैंड भी कट जाएंगी, इसीलिए वर्टिकल इंसीजन हमेशा लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा यही है, उसके बाद यही करते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप यूजली डू नो ड्रेसिंग, यही कर करके उसके बाद कैलिजियन स्कूप की सहायता से उसमें से जितने भी रहेंगे उसको निकाल लेंगे, बाहर जितना भी पस रहेगा उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें एक एंटीबायोटिक लगा करके पैड कर देते हैं। यही होता है हमारा ट्रीटमेंट। इसी तरह देखिए यहाँ पे, ये देखिए कैलिजियन क्लैंप लगा करके टाइट किया है, उसके बाद चीरा लगा दिया है वर्टिकल, उसके बाद देखिए यहाँ पे कैलिजियन स्कूप की सहायता से, ये कैलिजियन स्कूप है, कैलिजियन स्कूप की सहायता से इसे बाहर निकाल देता है, उसके बाद उसमें एक एंटीबायोटिक एंटमेंट लगा के पैड कर देते हैं, उसके बाद ये अपने आप सही हो जाता है। कोई ज़्यादा बड़ी ए बी डिजीज नहीं है, आसानी से आप भी कर सकते हैं इसका ऑपरेशन। तो आज रहा कैलिजियन का समाप्त हो गया यहाँ पे। दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो, चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।